हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चांद की पिक्चर अभी बाकी है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी सबसे बड़ी चुनौती। दोस्तों, इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, यानी कि एक छोटा सा रोबोट जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और चांद के साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज पानी आदि मिल सकता है। इस खोज से खास बात ये होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, मिशन का पूरा कंट्रोल कंप्यूटर्स के पास होता है, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। चांद पर ये पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर हैं। इन सभी चीज़ों का अनुमान उसे ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना है, तो इससे दो तीन नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। हालांकि रोवर और लैंडर की तकनीक में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। लैंडर में एक्स्ट्रा सेंसर भी लगे हैं जो धरती तक जानकारी भेजेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में देसी तकनीक को जोड़ा गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग को ट्रैक करने के लिए पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की मदद ली गई थी, लेकिन इस बार इसे इसरो की ही देसी तकनीक से ट्रैक किया जाएगा। इसके लिए इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका स्टेशन बेंगलुरु में है। चंद्रयान 2 में भेजे गए 8 पेलोड 2019 से रिमोट सेंसिंग डेटा भेज रहे हैं। चंद्रयान 3 में 7 और साइंटिफिक उपकरण लगाए गए हैं। दोस्तों, चांद तक पहुंचना ही बड़ी बात है। धरती से चांद की दूरी 384,000 किलोमीटर है। सबसे बड़ी चुनौती चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साउथ पोल चांद की दूसरी सतहों से काफ़ी अलग है, यहाँ काफ़ी चौड़ी खाई है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। ऐसे में इसरो ने पहले ही तैयारियाँ की हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।